मैं रणवीर कुमार आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द प्रेप जोन में। आज जिस पल का इंतज़ार सभी लोगों को था वो समय फाइनली आ गया। 66वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 66वीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन का इंतज़ार बहुत समय से, करीब करीब मार्च या फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसका नोटिफिकेशन नहीं आ पाया, जो फाइनली आज के दिन 16 सितंबर 2020 को नोटिफिकेशन आया है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ नोटिफिकेशन में हमारे लिए है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। बाकी तो आप लोग जो बीपीएससी का वेबसाइट है उस पर जाकर आप लोग डिटेल में इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा, बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हैं। और सबसे पहले देखते हैं टोटल सीट कितनी है। टोटल सीट जो है वो 562 सीट है, जिसमें से जो है 169 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। बट टोटल सीट की बात की जाए तो 562 सीट टोटल जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा वैकेंसी। ये और भी आगे वैकेंसी जो है ये बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट से वैकेंसी का डिटेल जो है वो रिपोर्ट नहीं किया गया होगा। आगे और कुछ देखते हैं क्या कुछ इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक क्वालिफ़िकेशन का बात है तो सिर्फ क्वालिफ़िकेशन में ग्रेजुएशन चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। कुछ पोस्ट के लिए कन्फ्यूजन हो रहा था, जैसे यह है पंचायती राज पदाधिकारी नहीं है, पंचायती राज ऑडिटर का पोस्ट नहीं है, ठीक है ठीक है। तो टोटल जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट अगर देखा जाए तो इस पोस्ट में है प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी 162 है। इसके बाद देखते हैं क्वालिफ़िकेशन की बात हो गई, इसके बाद देखते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है। बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट की जो एज का क्राइटेरिया होना चाहिए वो मैक्सिमम 40 ईयर कर देना चाहिए जनरल वालों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो उम्र का जो क्राइटेरिया है वो जनरल के लिए मैक्सिमम 37 ईयर है। जो लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनका 3 साल का उनको मिलता है एक्स्ट्रा टाइम, 40 साल तक। जो लोग एससी और एसटी हैं उनको 42 साल तक इस फॉर्म को भरने के लिए दिया जाएगा। ये तो एज का क्राइटेरिया हो गया। और 1/8/2020 के दिन वो एज कैलकुलेट होगा, तो अपना अपना एज आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए कि आप लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। उसके बाद और बहुत सारे डिटेल्स हैं। अब फीस की बात कर लेते हैं। फीस की बात तो जनरल और ओबीसी के लिए जो फीस है वो 600 रुपये का है, सॉरी जनरल ओबीसी के लिए जो फीस है वो 600 रुपये का है। इसके अलावा बिहार राज्य के जो एससी और एसटी हैं उनको 150 रुपये देना होगा। जो बिहार राज्य के ओनली एससी और एसटी हैं उनको 150 रुपये देना होगा। और बिहार राज्य के सभी स्थायी निवासी, चाहे वो आरक्षित हो या अनारक्षित हो, महिला उम्मीदवार, ठीक है, उनको भी 150 रुपये देना होगा, ठीक है। इसके बाद और क्या कुछ इम्पॉर्टेंट है देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का जो वो तो सबको पता है, 150 अंक प्रारंभिक परीक्षा होता है, वही बात लिखी हुई है, 2 घंटे की परीक्षा होगी और कुल कितना होगा 150 बहु विकल्पीय प्रश्न होंगे, एमसीक्यू 150 होगा। इसके अलावा और क्या कुछ इम्पॉर्टेंट है, ये सारे मेंस के सब्जेक्ट हैं, आप लोग मेंस में ऑप्शनल मिल लेते हैं, ये सारे सब्जेक्ट हैं उसके, ये डिटेल आप लोग देख लीजिएगा डाउनलोड करके। ये इम्पॉर्टेंट है कि ऑनलाइन का जो आवेदन प्रारंभ होगा वो 28/9/2020 से होगा, और लास्ट डेट जिस दिन तक ऑनलाइन का आवेदन हम लोग कर सकते हैं वो है 20 अक्टूबर 2020 तक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका एग्ज़ाम का जो एक्सपेक्टेड टाइम समझिए वो दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम होगा। तो आप सब लोग तैयार हो जाइए मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी बनाया हुआ है जीके के ऊपर, और भी मैं बहुत सारे वीडियो अब वीडियो बनाने के क्रम को मैं तेज़ करूँगा ताकि पूरा जो सिलेबस है जीके का वो कवर किया जा सके। इसलिए आप लोग चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़ जाइए ताकि जो भी अपडेट हो और जो भी मैं ऑनलाइन क्लासेस या जो भी वीडियो में इम्पॉर्टेंट बनाऊँ फ्री ऑफ कॉस्ट वो आप लोग को मिले और आप लोग उसी से तैयारी करें। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट सबको। ये इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए आप लोगों को, इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।